मैं सुबह फ्लाइट से आया हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ। लक्ष्य ये हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान में कैसे भाईचारा बना रहे, कैसे खुशहाली रहे, पूरा हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर नंबर वन पर कैसे जाए। तो मेरा सपना है कि जब तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय श्री राहुल गांधी जी नहीं बन जाते, मैं पूरा हिंदुस्तान में अपनी सेवा। फिर से आप लोगों का खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद है हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर, आप देख सकते हैं मेरे सामने इनके कपड़ों पे, अगर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो है वो इनकी छाती पे लगा, और साथ ही साथ में इनके हाथ में जो झंडा भी आप देख सकते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कहां से और मकसद क्या है इसका। आपका नाम क्या है? पंडित दिनेश शर्मा। कहां से आप? मैं हरियाणा से हूं, जिला जींद गांव पात्रोद है। हरियाणा से आप यहां पे कैसे आए? मैं सुबह फ्लाइट से आया हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं। तो मुद्दा क्या, खास तौर पे आप किस चीज के लिए आए थे यहां पे? मेरा जो लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य है कि हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान में कैसे भाईचारा बना रहे, कैसे खुशहाली रहे, पूरा हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर नंबर वन पर कैसे जाए, वो सपना केवल एक ही पूरा कर सकते हैं, राहुल गांधी जी। तो मेरा सपना है कि जब तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय श्री राहुल गांधी जी नहीं बन जाते, मैं पूरा हिंदुस्तान में अपनी सेवा राहुल जी के साथ देता रहूंगा, बिना चप्पल के झंडा 11 साल से चला रहा। अभी अगर देखा जाए भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, आपको उनसे क्यों उम्मीदें नहीं है कि वो हिंदुस्तान का भला नहीं कर सकते? भाई साहब, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, देश के युवाओं में देख लीजिए, किसानों में देख लीजिए, और किसी तबके की बात कर लीजिए, पूरा पूरा हिंदुस्तान त्राहिमाम त्राहिमाम है मोदी जी से। और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, पूरे हिंदुस्तान में खुशहाली थी। अब महंगाई की बात कर लीजिए, पेट्रोल के रेट की बात कर लीजिए, किसानों के मुद्दे की बात कर लीजिए। मैं हरियाणा से आता हूँ, पूरा हिंदुस्तान का किसान दिल्ली के बॉर्डर पे है, और आने वाले वक्त में वो किसान मोदी जी को नक्शा दिखाएगा, उसको एक रास्ता दिखाएगा कि मोदी, जब तू देश में सरकार बनाने से पहले बड़े बड़े वादे कर रहा था, और आज तू देश में क्या कर रहा है? ये किसान, ये युवा अब तेरे को इस गद्दी से उठा के नीचे उतारेंगे और राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। हिंदुस्तान के किस किस राज्य में आप गए हैं राहुल गांधी यू नो का फैन बन के? स्पेशली आपके कॉस्ट्यूम से लगता है कि आप राहुल गांधी के सबसे बड़े फैन है, कहाँ कहाँ पे आप गए हैं? मैं लगभग पूरा हिंदुस्तान में भ्रमण कर चुका हूँ, और आज मेरा, मैं आज बहुत खुश नसीब हूँ कि आज आप सबके बीच में मुझे जम्मू कश्मीर की धरा पर आने का सौभाग्य मिला। आज मेरा ये श्रीनगर की जमीन पर पहला कार्यक्रम है, राहुल जी के कार्यक्रम मुझे आने का सौभाग्य मिला। तो मैं कह सकता हूँ कि जम्मू कन्याकुमारी से और जम्मू कश्मीर तक पूरा हिंदुस्तान में चोट नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक भ्रमण कर चुका हूँ। तो कभी आपको राहुल गांधी से मिलने का मौका, फेस टू फेस मिलने का मौका मिला है, या उनसे आपने कभी बात करी है? ऐसा तो राहुल जी कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता से मिलते हैं, आम आदमी से मिलते हैं, और हमें राहुल जी का छोटी सेवा करने का सौभाग्य मिला है। तो राहुल जी हमसे बहुत प्यार करते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। कश्मीर के अंदर क्या लगा आपको, कब आप कश्मीर आए, अभी कश्मीर के अंदर क्या हालत लगा? कश्मीर की बात करूं तो मैं हरियाणा से आता हूं, और मीडिया वाले दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लोग क्या है, वो भाईचारा नहीं बनाना चाहते। लेकिन जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे आया, एयरपोर्ट से बाहर निकला, तो मुझे आपके लोगों ने, श्रीनगर के लोगों ने मेरा दिल खुश कर दिया। वाकई मैं आपको तारीफ कर रहा हूँ, मैं आपको सलाम करता हूँ, बहुत लाजवाब इंसान। बहुत बहुत शुक्रिया।